इंजन ऑयल इंडिकेटर इसमें जो डॉट दिया हुआ है आफ्टर सर्विसिंग ये यहाँ तक आना चाहिए फुल और ये लो इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ आप लोग नजदीक से दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ कहाँ है इंजन ऑयल। पहला जो दो सर्विसिंग था फ्री सर्विसिंग फ्री रहते हैं तो वो दो सर्विसिंग मैंने गुवाहाटी में कराया था, गुवाहाटी आसाम में किया था। और रिसेंटली जो मैं थर्ड एंड फाइनल फ्री सर्विसिंग था मैं वो सर्विसिंग गुवाहाटी से 60 किलोमीटर के दूरी पर नलबारी करके एक टाउन है तो वहाँ एक नया KTM ऑथराइज सर्विस सेंटर हुए हैं तो मैं वहाँ लेके गया था और उसमें सर्विसिंग कराया था। तो इतना गर्म हो गया था नज़दीक आने की मतलब डर रहे थे हम, तो यहाँ से लाइट धुआं भी पास हो रहा था यहाँ से फैन पंखा चलने के बाद। तो कोई कोई लोग बोले हैं कि गाड़ी धोए हो तो इसीलिए कहीं पानी जमा हुआ था शायद, तो पानी जल के ऐसा होता है कभी कभी। और उससे पहले मेरा जो चेन है वो चेन एडजस्ट करा के लाया था परसों। ये देखिए ये लोग ल्यूब्रिकेंट करके दिए थे तो बोले कि वो उसका साइड में फुवारा गिर सकते हैं तो इसीलिए वो गर्म होके उसका धुआं निकले। थोड़ा सा टेंशन में मैं पड़ गया हूँ और उसके बाद दो चार लोगों ने मुझे बताया है कि आपका इंजन ऑयल एक बार चेक कर लो। फिर मैंने जब चेक किया तो वहाँ इंजन ऑयल है ही नहीं, आप लोगों को दिखा दिया हूँ। तो इसका जो इनवॉइस है मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। मैं 14 अक्टूबर को इसका सर्विसिंग कराया था और उसके बाद मैं लगभग ये देखिए अभी 9130 मैंने चलाया और सर्विसिंग कराया था 8300 समथिंग में। मुझे तो कुछ लग रहा था कि लगातार ये जो इंडिकेटर है ये जल रहा था और ये वाला कभी कभी जलता है कभी कभी बंद हो जाता है, तो इसीलिए मैंने उन लोगों को कॉल किया। कॉल करने के बाद अभी ये लोग बोले हैं कि आप गाड़ी को स्टार्ट मत करिए, हम लोग आ रहे हैं आपको आधे घंटे में और देखेंगे वहाँ। मैं रेगुलर सर्विसिंग करता आया हूँ, इवन मैं बिफोर डेट सर्विसिंग कराया तो उसके बाद ये इशू नहीं आना चाहिए था। तो देखते हैं ये लोग आ रहे हैं अभी। इन लोगों को मैं जब पूछा कि तुम लोग इंजन ऑयल नहीं डाले थे क्या कि कम डाले थे, तो वो लोग बोले हैं कि ये गलती हम लोग नहीं करते हैं। तो ये जो एक्चुअली वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप है नलबारी में बरकुरा करके जगह है, मेरे इनवॉइस में इसका एड्रेस दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी उम्मीद करते हैं ये लोग आके कुछ अच्छा सोल्यूशन दे, तो मैं इन लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। ये लोग आए हुए हैं अभी KTM शोरूम बरकुरा से, अभी देखते हैं ये लोग क्या सोल्यूशन देते हैं। ये बोले हैं कि मोबिल है तो सर्विसिंग करने के बाद तो यहाँ तक आना चाहिए, जो मेरा जो नॉलेज है तो उसके हिसाब से ये यहाँ तक आना चाहिए। दूसरा जो है वो कम बताते हैं, लेकिन कम होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं, अभी तो है ही नहीं यहाँ, कहाँ मोबिल शो हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा इंजन ऑयल टॉप अप कर दिए हैं और स्टार्ट करके देख रहे हैं कि इसका साउंड जो है, साउंड भी फ्लक्चुएट हो रहा था तो भी देखेगा। और इसके बाद इन लोगों ने मुझे बताया है कि आप बाइक थोड़ा वर्कशॉप में लेके आइए, अपडेट वगैरह कर देगा। वर्कशॉप में अभी लेके जा रहा हूँ और फिलहाल तो स्टार्ट करने के बाद मुझे अच्छा ही लगा क्योंकि आज फैन जो है पंखा थोड़ा देर से चालू हुए हैं। ये वर्कशॉप आप पहुँचे हैं, अभी देखते हैं। तो फाइनली ये लोग चेन भी थोड़ा एडजस्ट कर चुके हैं, बोले कि 2500 किलोमीटर भी आप लोग चला पाओगे। और बाकी जो इशू था ये इंजन ऑयल ही थोड़ा सा कम था, तो ये बोलो बढ़िया एफर्ट लगाए हैं काम करने के लिए। अभी मेरा इंजन भी इतना हीट नहीं हो रहा और ये अभी फाइनल जो है ये अपडेट कर रहे हैं, ये अपडेट करने के बाद मुझे रिलीज कर दिया जाएगा। अभी जो लगा हुआ है लेटेस्ट अपडेट लगा हुआ है। तो अभी कोई टेंशन नहीं है ना, ठीक है। फिर मैं 2-3 हज़ार किलोमीटर अच्छे से चला सकूंगा ना। चलो थैंक यू, इतना ही था। आप लोग इतना पैनिक मत होइएगा कभी, लेकिन ऐसा हो भी जाता है तो आप लोग स्टार्ट मत करिए, इन लोगों को कॉन्टेक्ट करिए वर्कशॉप में या कस्टमर केयर के थ्रू, तभी आप लोगों को प्रॉपर सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो फाइनली आई एम सेटिस्फाइड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे कंफर्टेबल। बाय।